नोखड़ा कॉलेज में होमगार्ड जवान का संदिग्ध हालात में मिला शव। साथियों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें बाड़मेर जिला अस्पताल की हैं। बताया जा रहा है कि नोखड़ा कॉलेज बिल्डिंग सीढ़ियों की रेलिंग से लटका एक संदिग्ध हालात में होमगार्ड जवान का शव मिला है। जवान की वहीं पर उसी कॉलेज में ड्यूटी थी। सूचना मिलने पर तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची। घटना बाड़मेर जिले के आजेटी थाना क्षेत्र के नोखड़ा कॉलेज की है। पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में शव को नीचे उतार कब्जे में लेकर बाड़मेर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजन संदेह जता रहे हैं कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच पड़ताल करेगी। फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बाड़मेर जिला अस्पताल की, जहां पर मौके पर पहुंचे लोगों का कहना है कि होमगार्ड जवान की जो है वहां पर उसको मारा गया है और उसको मारकर जो है वो लटकाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मौके पर पहुंचे उनके जो परिजन हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जरा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। राजस्थान राइज से मैं आपका साथी उमेश भैराणी, आगे की खबर के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या नाम है आपका, घटना हुई है, क्या घटना हुई है और कहाँ पे हुई है? मेरा नाम सगन लाल है। ये घटना नोखड़ा गांव के अंदर हुई है। नोखड़े में जो कॉलेज बनी हुई है उसके अंदर जगदीश पुत्र डामरा राम जाति गुरु मोहन जी का क्रेशर बाड़मेर होमगार्ड में वहाँ पर लगा हुआ था, कार्यरत था। तो रात में उसकी संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है, लटका हुआ है। उसके आत्महत्या की है या उसके मार के लटका है, वही संदिग्ध है। यहाँ पर परिजन पहुँचे, मोर्चरी पहुँचे, अस्पताल मोर्चरी पहुँचे, क्या कह रहे हैं परिजन, क्या कुछ? परिजन तो यहाँ पर पोस्टमार्टम कराकर उसकी सही जांच करने के लिए बोल रहे हैं। सही, हमें न्याय मिलना चाहिए भाई, वास्तविक में क्या हुआ है, आत्महत्या है या मर्डर है। पूरी मतलब मर्डर की हमें पूरी आशंका है। आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे सुसाइड कर लिया या फिर? हमारे को तो सुबह फोन आया था, वहाँ पर स्टाफ वगैरह ने फोन किया था कि वहाँ पर घटना हो गई है, आप पहुँचे, हम परिजन वहाँ पर पहुँचे। नोखड़ा से बालाराम बोल रहा हूँ। नोखड़ा कॉलेज में जगदीश गर्ग बाड़मेर जो कॉलेज में लाश मिली है उसका कोई मर्डर किया हुआ है। उसका गेट कॉलेज का बंद है अंदर से, जो भी अंदर से भी आदमी कोई बाहर निकला है उसका मर्डर हुआ है, जिसकी कार्रवाई की जाए। तो आप मौके पर पहुंचे थे, आपको क्या लग रहा था, किस तरह मौके पर पहुंचे और अभी साथ में आए हैं, तो बॉडी किससे लटकी हुई थी, क्या कुछ? बॉडी तो घटनास्थल फांसी लटकी हुई थी। किससे फांसी लगाई गई थी, किससे? उसके पैर है तो वो की एक आमने पर पड़ी हुई थी, खोई हुई लटकी हुई। किसी पेड़ से फांसी लगाई या फिर? नहीं, कॉलेज के अंदर से उसकी फांसी रजनी से लगी हुई। परिजन क्या कह रहे हैं, मोर्चरी परिजन पहुंचे, कह रहे हैं कि इसका मंडल किया हुआ है, इसका फान भी गायब है। कल है जो उसके जमाई को भी फोन किया है, उससे भी बात हो रही थी, उसने भी बोला कि मुझे मार रहे हैं, मार रहे हैं। किस तो मार रहे हैं, उसका जमाई वो फोन किया।